तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूकेटी मूवीज वर्ल्ड। मैं हूं आपका नेटवर्क मार्टिनसन। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 एक्शन स्पाई मूवीज का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट को मैंने बना के रख दिया है, लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी एक्शन के। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना सपोर्ट उस वीडियो में मिला था। सो गाइस, हमारी इस लिस्ट की 5th मूवी का नाम है द बॉर्न लेगेसी। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 55% की और इस मूवी ने कमाए थे 276 मिलियन। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था टोनी गिलोरी ने। ये एक एक्शन स्पाई मूवी है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस मूवी में काफी एपिक लेवल के एक्शन दिखाए गए हैं हमें और इस मूवी में हमें मेन लीड में दिखे हैं जेरेमी रनर और रेचल वेस। दोनों की एक्टिंग और एक्शन सीन्स काफी ज्यादा ही पसंद आएंगे आप। तो मूवी को अगर मिस नहीं करना चाहते, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में देखने मिल जाएगी। काफी अच्छी मूवी है। तो हमारी इस लिस्ट की 4th मूवी का नाम है ब्लैक विडो। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है, यानी इसी साल ये मूवी रिलीज हुई है। एक एक्शन स्पाई मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 79% की और इस मूवी ने कमाए थे 378 मिलियन। इस मूवी में हमें ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोव के रोल में दिखी है, स्कारलेट जॉनसन और येलिना का रोल प्ले किया है फ्लोरेंस पग ने और इस मूवी में भी रेचल वेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये काफ़ी अच्छी मूवी है। इस मूवी के एक्शन सीन से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी MCU की वन टाइम वॉच मूवी में इसको कहूँगा, जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सो गाइस, हमारी इस लिस्ट की 3rd मूवी का नाम है किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। ये किंग्समैन सीरीज का 2nd पार्ट है। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और इस मूवी ने काफी अच्छा क्लासिकल बॉक्स ऑफिस किया था 410 मिलियन का। इस मूवी को डायरेक्ट किया मैथ्यू वॉन ने, जो काफी अच्छे डायरेक्टर है। इन्हें मैन ऑफ स्टील भी डायरेक्ट करने दी गई थी मगर इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया और इनकी ये मूवी काफी जबरदस्त है। इस मूवी की खास बात ये कि इस मूवी के एक्शन सीन्स काफी ज्यादा यूनिक है और इस मूवी में हमें दिखे टेरन एजर्टन और उनके साथ साथ हमें फ्रेडो पास्कल भी रोल में दिखे। दोनों की एक्शन और एक्टिंग जबरदस्त है। सो गाइस, हमारी इस लिस्ट की 2nd मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल द गोस्ट प्रोटोकॉल। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में टॉम क्रूज के साथ साथ जेरेमी रेनर भी दिखे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को रोटेन टोमेटोज पर रेटिंग मिली 93% की। इस मूवी का रन टाइम था 2 घंटे 3 मिनट का। ये काफ़ी अच्छी स्पाई मूवी है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त है इस मूवी के। इस मूवी को डायरेक्ट किया था ब्रैड बर्ट ने। इस मूवी ने कमाई थी 644 मिलियन, जो कि काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस है और काफ़ी अच्छी ये मूवी है जिसे आपको एक दफ़ा तो ज़रूर देखना चाहिए। सो गाइस, हमारी इस लिस्ट की 1st मूवी का नाम है नो टाइम टू डाई। ये जेम्स बॉन्ड डेनियल ग्रिग की आखिरी मूवी है। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी को रोटेन टोमेटोज पर रेटिंग मिली 84% की और इस मूवी का डायरेक्ट किया है केरी जोजी काकुंगा ने और इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 43 मिनट का। ये काफी अच्छी स्पाई मूवी है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और इस मूवी के एक्शन सीन्स काफी हाई लेवल पर शूट किए गए हैं, जो कि काफी अच्छे एक्शन और नॉन स्टॉप एक्शन सीन्स भी दिखाए गए हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि हमारे इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर बर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।